राधे। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं वृंदावन और ये हमारा वृंदावन का सेकंड व्लॉग है। सो चलो देखते हैं क्या कुछ करते हैं। हम तो बहुत खुश है, बट जो बाकी बिहारी चाहेंगे ये इतना ही होगा। हो पाएगा। हाँ, बच्ची हमारी सो गई है। हमने सोचा था हम इसका भी लेके आए थे कि इसको अच्छे से सजाएंगे, राधा रानी बनाएंगे। सो गई। कोई नहीं, चलो देखते हैं हम लोग अपनी हाँ क्या कुछ करेंगे। अपना सारा दिन का आप लोग के साथ शेयर करेंगे, कहाँ जाएंगे सब कुछ दिखाएंगे। और बहुत ज्यादा भीड़ है तो थोड़ा सा बात करने में ना टाइम वेस्ट हो रहा है, बट कोई नहीं, करना चाहे तो करना है, हैबिट में कोई आ दिक्कत जाएगा धीरे धीरे सी। तो चलो चलते नहीं, हैं। शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चल रहे हैं प्रेम मंदिर से निधिवन के लिए, क्योंकि दोपहर में पता है सारे मंदिर अधिकांश बंद ही रहते हैं। निधिवन एक ऐसा है जो खुला रहता है और निधिवन शाम में बंद हो जाता है। तो निधिवन खुला है तो चल चलते हैं। खूब सारा अरे भाई ना भाई, आप में से कितने सारे लोग यहाँ वृंदावन आए हुए हैं कमेंट में बताना। सोचो कितनी ज्यादा भीड़ थी, बट देखो हमारे बाकी बिहारी कृष्ण कन्हैया ने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। एकदम आसानी से हमें दर्शन मिल गया उनका। इतनी भीड़ होते हुए भी हम थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुए थे। प्यास लगी है, अभी पानी पिलाया तो वहाँ बैठा। बताओ सवारी खोजते 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 क्या पैदल कितना दूर था? तो प्रेम मंदिर से हमने रिक्शा लिया और रिक्शे वाले भैया ने हमें लाके बाकी बिहारी के सामने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से निधिवन नहीं जा सकते थे। फिर कुछ दूर हम लोग पैदल चले, बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक गए। प्रत्युष, नेहा, इन लोगों को बहुत ज़्यादा थकान लग गई। सो इसके बाद हमने फिर से रिक्शा लिया जो हमें निधिवन लेके जाए, मतलब लेके जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, आप देख ही सकते हो। हम लोग अब आ गए हैं एक दुकान पे। हमने सोचा चलो गोपी वाला ड्रेस लेते हैं। तो यहाँ पर आके हमने एक दो ड्रेस देखी। हम लोगों का इरादा था कि हम लोग रुकेंगे, एक दिन रुकेंगे, क्योंकि इतना पैसा लगा के आए हैं। सबसे पता है ट्रैवल का जो है सबसे ज़्यादा लग जाता है, बाकी होटल वगैरह यहाँ पे इतना महंगा नहीं है। तो हमने सोचा था कि हम एक दिन रुकेंगे, सो उसके लिए हमें ड्रेस चाहिए थी, गोपी ड्रेस। तो यहाँ पर हम आए, देखे,
सब कुछ तो ठीक था, बट ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ना तो एस साइज़ ना तो यम पहनती, तो बहुत ज़्यादा लूज एस पहनती, वो भी लूज, उसके बाद यस के नीचे कोई साइज़ इनके पास नहीं थी। सो हमने कई ड्रेसेस, इन्होंने हमें कई ड्रेसेस दिखाई, जिसमें से एक हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ये पिंक वाला जो भी आप देख रहे हो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, तो इसको लेके मैं गई, ट्राई भी किया। इन्होंने दो साइज़ दिया था, एक आप देखते रहो, एक इन्होंने यम दिया था तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लूज था, फिर उन्होंने यस दिया, एस भी बहुत ही ज़्यादा लूज था। सो हमने नहीं लिया, हमने कहा जाने दो। इसके बाद हमने और नेहा ने दोनों जन ने एक एक दुपट्टा लिया अच्छे से। यहाँ पर आप देख ही सकते हो मैं बच्ची को लेके बैठ गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान लग गई थी। हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। बाकी बिहारी ने हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करी, पता है बच्ची फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। इवन वहाँ पर जितने लोग थे सबको पकड़ पकड़ के बुला रही थी, और काफ़ी सारे लोगों ने बच्ची को ले भी लिया, सब उसको ऐसे प्यार से लाड प्यार से ले रहे थे अपनी गोदी में, मैं किसी को मना भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हम लोग आ गए यमुना जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और प्यास से गला सूख रहा था। यमुना जी आके थोड़ा सा जो है मतलब दर्शन करके, फिर हम लोग, दीप ने बोला कि उनके पेट में दर्द हो रहा है,
शायद सुबह से काफ़ी ज़्यादा खड़े थे और पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, तो फिर हमने सोचा कि हमें रिस्क नहीं लेना, यहाँ पर हमने जूस लिया, सब ने जूस पिया जितने भी लोग थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग पैदल चले थे, सुबह से चल ही रहे थे, आपने देख ही लिया। हम प्रेम मंदिर गए, इसके बाद निधि वन, मतलब बहुत ज़्यादा घूमे हैं, तो यहाँ पर सब वही खा पी रहे हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए अपने होटल के लिए। दीप की हालत अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग चल रहे हैं हमारे होटल की तरफ। हमारा होटल भी ना हमारा नहीं, हमने चेकआउट कर दिया है। अब हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी। बहुत ज्यादा थकान लग गई है, सिर इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ सब ना बलून में पानी भर भर के कलर भर भर के मार दे रहे हैं। दीप नई टी शर्ट पहने हुए थे, उनको नहीं पता था। दीप निकेत तीनों जन अपनी नई नई टी शर्ट पहन के आए थे। अरे हमने तो ट्रैक तोड़ा था भैया, तीनों जी तीनों जन का भैया था, और सब में कलर जो कलर नहीं आता वो आते जाते हैं, पूरा टी शर्ट कलर। आपको पता है मैंने वृंदावन की होली के बारे में बहुत सुन रखा था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि लोग इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं। पता है आप रिक्शे से जा रहे हो ना, लोग आपके ऊपर बलून में ऐसे कलर भर भर के फेंक दे रहे हैं, मुझे डर लग रहा था कहीं बच्ची के ऊपर ना आ जाए। यहाँ पर पता है वृंदावन सॉरी प्रेम मंदिर पहुँचने से काफ़ी दूर पहले ही रिक्शे वाले भैया ने हम लोगों को उतार दिया, तो हम लोगों को पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, पैर में छाले पड़ गए। हालत आप देख लीजिए हमारी। सो फ्रेंड्स, हम होटल वापस आ गए, चल रहे हैं, नहाएंगे बहाएंगे चेंज करेंगे, इसके बाद घर निकल जाएंगे, क्योंकि दीप बोल रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अभी सुबह से हम लोग कुछ खाए भी नहीं है, सिर्फ पानी पे हैं। पानी डोसा खाने गई थी, डोसा खाए तो क्या खा लिया पता नहीं। पापा पास बैठे हो? पापा कहाँ है? पापा बुलाओ। राधे 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 राधे। होली खेल के कैसा लगा? बहुत अच्छा। खेले नहीं हो? फ्रेंड्स, हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए और भूख लगी थी, तो दीप ने ऑर्डर किया फ्राइड राइस। फ्राइड राइस में डाल दी, जल गई बेचारी। जैसे फ्राइड राइस है उसे झप ऐसे कर दी और जल गई, लगी रोने। आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मैं इतना बचा के रखती हूँ अपने बच्चों को। बिट्टू, ए बिट्टू, ये देखो क्या हो गया। हाँ, क्या हुआ बेटू को? बेटू बताओ क्या हुआ? बेटू रो रही है। क्या बताऊँ, सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑयल मैंने मना कर रखा है, ठीक है ना? सो बहुत जोर की भूख लग गई थी यार, बहुत तीखा है, उनका हाथ धुलना पड़ेगा बच्ची का। सो करते हैं इस व्लॉग का एंड, मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सो मच।